अब हमने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की थी, रिक्वायरमेंट्स का हमने एनालिसिस देखी थी। अब हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की तरफ जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट मॉडल यानी कि कोई भी चीज जब आप बनाते हैं तो उसका एक मॉडल बनाते हैं। कोई बड़ी चीज बनानी होती है, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी होती है या फिर कोई आपको मान लीजिए कोई आपको हाईवे बनाना होता है और वो भी ओवरहेड हाईवे बनाना होता है। कोई बड़ी चीज बनानी है तो आपको उसका मॉडल करना पड़ेगा। अब डिजाइन मॉडल तो आगे आने वाला है, जरूर डिजाइन मॉडल की बात होगी, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट में भी मॉडलिंग जरूरी है? जी हाँ, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग भी जरूरी है। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास कई आयाम है इसके, जैसे डीएफडी है, स्ट्रक्चर चार्ट बना सकते हैं हम। स्ट्रक्चर चार्ट तो डिजाइन का पार्ट हो गया, डीएफडी आपका रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की पार्ट हो गया। इसी तरीके से आप अगर यूएमएल की बात करें तो उसमें भी आप कई सारे डायग्राम से जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आप रिक्वायरमेंट को मॉडल कर सकें। रिक्वायरमेंट जो आएगी उसको उसका एज अ मॉडल दिखा सकेंगे, देखिए साहब ये बनाने जा रहे हैं, इसका डिजाइन बनेगा और इसी का कोडिंग होगा। तो फ्लो बिहेवियर पैटर्न वेब एप्स। अब देखिए दो टाइप की हमने बात की थी, एक स्ट्रक्चर्ड बात की थी, स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी होता है, और एक दूसरी जो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अब वेब एप्लीकेशन हर चीज वेब पे आ रही है, हर चीज वेब पे है, कोई भी डेस्कटॉप सॉल्यूशन है वो आपको वेब पे मिलेगा, आपको 3D भी वेब पे मिल रहा है। तो जब ब्राउजर इतना कैपेबल हो गया है और वेब एप्लीकेशन इतने पॉपुलर हो गए हैं तो इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, इनकी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कैसे होगी। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटेजीज की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमने पिछले बार अपनी बात को विराम दिया था। एक तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है। जो पहली रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की तकनीक है या फिर उसकी सोच है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम, डेटा और उस डेटा किस तरीके से इस डेटा को प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म करेंगे अलग अलग एंटिटीज में, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हम डेटा ऑब्जेक्ट को मॉडल करेंगे और डिफाइन करेंगे कि इस डेटा की एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो प्रोसेसर्स की जो बात कर रहे हैं वो इस डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे इस तरीके से कि उसका फ्लो दिखाई देगा एक जगह से दूसरी जगह पे। कैसे, सिस्टम में जब फ्लो कर रहा है डेटा तो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। दूसरा अप्रोच हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। इसमें हम ध्यान देंगे कि हम क्लास की डेफिनेशन बना सके, जो क्लासेस होंगी उसको पहले डिफाइन करें और फिर ये आपस में किस तरीके से क्लासेस को हमें कोलैबोरेट करना है, रिलेशनशिप बनानी है ताकि कस्टमर रिक्वायरमेंट को एक्चुअली में पूरा किया जा सके। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग की अगर बात करें, जहां पर आपका डेटा का फ्लो हो रहा है, तो यहां पर डेटा ऑब्जेक्ट किस तरीके से सिस्टम में मूव कर रहा है। आपका जो सिस्टम है, सिस्टम जैसे पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम भी आ रहा है, अगर बाई चांस आप हार्डवेयर भी आपको बनाने को कहा गया है या फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया तो वो भी आ जाए। इन सब को मिला के जहां जहां ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट जा रहा है, कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग में जगह देंगे। इसके लिए हम डीएफडी यूज कर सकते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। ये डायग्रामेटिक फॉर्म है, कई लोग कहते हैं कि ओल्ड स्कूल अप्रोच है, लेकिन आज भी ये एक सप्लीमेंट है एनालिसिस मॉडल एलिमेंट के लिए और बहुत तगड़ी चीज है ये डेटा फ्लो डायग्राम। फ्लो मॉडल का मतलब ये होता है कोई भी इनपुट आ रहा है, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इस इनपुट को कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करके कुछ आउटपुट देगा, इनपुट को आउटपुट देगा, इसे हम फ्लो मॉडल कह रहे हैं। तो फ्लो मॉडलिंग नोटेशन के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल एंटिटी को इस तरीके से रेक्टेंगल में दर्ज करेंगे, प्रोसेस को हम एलिप्स में दिखाएंगे, डेटा फ्लो को हम एरो में दिखाएंगे और डेटा स्टोर को ऐसे दो लाइनों से दिखाएंगे। तो एक्सटर्नल एंटिटी क्या होगी, जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है डेटा का, कोई आदमी हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, सेंसर हो सकता है, तो ये एक्सटर्नल एंटिटीज होगी। इसके बाद प्रोसेसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या होगी, ये डेटा ट्रांसफॉर्मर, जैसे मैंने बताया आपको कोई इनपुट कोई आउटपुट में चेंज करेंगे तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मर की संज्ञा दी गई है। जैसे कंप्यूट टैक्सेस, आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, आप टेक्स्ट करके रिजल्ट दे देंगे, आपके पास एरिया आएगा निकालना है तो कुछ आपके पास इनपुट होगा, फॉर्मेट रिपोर्ट हो, डिस्प्ले ग्राफ है, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। डेटा फ्लो में जैसे आपके पास बेस और हाइट आ गई तो ये प्रोसेस क्या करेगा, इस डेटा फ्लो को करेगा, ये डेटा है आपके पास, बेस और हाइट इन दोनों डेटा पे काम करके इनका एरिया निकाल के, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इसका एरिया होता है, यहाँ पर कंप्यूटेशन होगा और उसके बाद आपको एरिया मिल जाएगा। कुछ इनपुट से आउटपुट जो डेटा फ्लो है, बेस और हाइट ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपना स्टेट चेंज किया, बेस और हाइट ने मिलकर अपना ट्रांसफॉर्म कर दिया अपना स्टेट, अब वो एरिया पे आ गया, डेटा हैज बिकम एरिया नाउ। डेटा स्टोर की बात करें जो कभी हम आगे चल के यूज करेंगे या फिर जो कहीं कुछ स्टोरेज है उसका हम यूज करते रहेंगे, जैसे आई लुकअप सेंसर डेटा है, यहाँ पर सेंसर नंबर है, ये रिपोर्ट रिक्वायर्ड, क्या रिपोर्ट चाहिए, तो सेंसर नंबर अगर आप जानना चाहेंगे कि इसकी टाइप लोकेशन एज क्या है तो उसके लिए आपको यहाँ सेंसर डेटा पे जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। तो सेंसर नंबर, टाइप, लोकेशन एज सब यहाँ पर आपको मिलेगी, ये इनपुट है, ये प्रोसेस है और ये डेटा स्टोर है जो इसका जो आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन प्रयोग देने के लिए एक तरीके से ये डेटा को रख रहा है, डेटा को जमा कर रहा है, डेटा को चेंज कर रहा है और डेटा को आपको दे भी रहा है। अब डेटा फ्लो डायग्राम की कुछ गाइडलाइन देखते हैं। सबसे पहले यह है कि हर एक आइकन को आपको मीनिंगफुल नाम देना है, ऐसा नाम देना जो समझ में आए। डीएफडी एक लेवल पे नहीं बनता है, ये अलग अलग लेवल पे जाएंगे। जो पहला डीएफडी होता है उसे हम लेवल जीरो कहते हैं, पहला डीएफडी बनता है, उसका दूसरा नाम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है। तो कोई कहे कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम तो आप समझ जाइए लेवल जीरो कह रहा है, कोई कहे लेवल जीरो तो आप समझ जाइए कि वो कॉन्टेक्स्ट लेवल की बात कर रहा है। सारी जो एक्सटर्नल एंटिटीज है वो आपको लेवल जीरो में दिखाने हैं और हमेशा लेबल करना है डेटा फ्लो को एरोस से। कोई प्रोसीजरल लॉजिक कृपया ना दें यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है। एक तो आपको सबसे पहले यूजर सिनेरियोस को लेना है, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे डीएफडी, कैसे बनाएंगे, तो यूजर सिनेरियो को लेंगे या जो डेटा मॉडल है उसमें हम जो डेटा ऑब्जेक्ट्स है उनको अलग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो नैरेटिव है या फिर नैरेटिव
आपके जो टेक्स्ट है उसमें देखेंगे हमारे पास कौन कौन से वर्ब्स है, वर्ब उन वर्ब को उठा के हम ऑपरेशन की संख्या दे देंगे, वो ऑपरेशन हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज है, बाहर की एंटिटीज है, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कस्टमर हो, उनका डेटा देखेंगे, फिर हम यहाँ पर लेवल जीरो डीएफटी बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई डिजिटल वीडियो प्रोसेसर है, इसका अगर आपको लेवल जीरो या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाना है तो इसमें आप देखिए यूजर है, ऐसे ड्रैग कर रहा है, वीडियो सोर्स से आपको एनटीएससी वीडियो सिग्नल या पैल वीडियो सिग्नल मिल रहा है, ये डिजिटल वीडियो प्रोसेसर इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, इसका जो भी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आ रही है उसको कैटर करके वो रिक्वेस्टेड वीडियो सिग्नल जो है मॉनिटर पर भेज देगा। ये जो आप एक बड़ा लेवल का देख रहे हैं इसे हम लेवल जीरो डीएफटी कहते हैं। अब ये डिजिटल वीडियो प्रोसेसर को और थोड़ा सा हमें और एग्जीक्यूटिफाई करना पड़ेगा और हमको डिटेल में देखना पड़ेगा, इसके लिए हम लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो जो नैरेटिव आपने देखा, जो नैरेटिव मतलब ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट में कुछ लिखा होता है उसको नैरेटिव कहते हैं। उसमें हम नाउन और वर्ब ढूंढते हैं, नाउन को हम बोल देते हैं कि साहब इसकी हम क्लासेस बना देंगे, वर्ब से जो ऑपरेशन बन जाएंगे। तो जो नैरेटिव है उसको देखना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा हर एक लेवल पे, और हर पास मतलब केवल जानना कि वो क्या क्या शब्द लिखे हैं और उन सबको समझना, बस इतना ही है, ये मतलब इसकी गंभीरता लेना चाहिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। जो चीज़ लिख के दी गई है, जैसे आप रिक्वायरमेंट लिख के दी गई है, आपने रिक्वायरमेंट लिखी है चाहे ऐसे फॉर्म में लिखा है, उसे वर्ब निकाला है, नाम निकाला है, और जो भी चीज़ आ रही है निकाली है उसको और थोड़ी 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 हिज्जे में या फिर और डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि आप इस तरीके से डेटा फ्लो मेंटेन कर सके कंटिन्यूटी के साथ, और आप बता सके कि देखिए साहब ये डेटा होगा, ये ऑपरेशन होंगे। तो आप लेवल 1 डीएफटी बनाएंगे, 1:5 अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है, जैसे लेवल 0 जैसे इसको हम 1 बोलते हैं, तो ऐसे आप यहाँ 5 बना दीजिए, 1:5 का रेशियो रखिए एक्सपेंशन का। जैसे ये आपका पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि इनपुट था या आउटपुट था, अब इसको हम थोड़ा सा ब्लो अप कर देते हैं, ये एक है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ये मैं कह रहा हूँ 1:5 रेशियो, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट है, 1:10 भी कर सकते हैं, 1:20 भी कर सकते हैं, 1:2 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये पूरी तरह डिपेंड करेगा कि आपका एप्लीकेशन कैसा है, आप किस तरीके से उस प्रोसेस को और नीचे डिवाइड कर सकते हैं। जो फ्लो मॉडलिंग के नोट्स हैं, हर एक बबल को हम बार बार तोड़ेंगे, हर बार बार रिफाइन करेंगे, जैसे अभी हमने देखा ना इस बबल को हमने कितने रिफाइन किया, 5। अब इसको ये जो बबल्स है, हो सकता है इसमें ये बबल है, इसको और रिफाइन करना पड़े, इस बबल को और रिफाइन करना पड़े, इस बबल को रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको करेंगे, जिसको नहीं है उसको नहीं करेंगे। तो एक्सपेंशन रेशियो हम कोशिश करते हैं कि किस लेवल तक जाएं, तो अमूमन 3 से 4 लेवल तक काम हो जाता है, लेकिन कई बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 7 लेवल तक भी चले जाते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी कॉम्प्रिहेंड मत करिए, इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंगल डेटा फ्लो आइटम इस तरीके से जो एरो से बताया जाता है, इस तरीके से हम इसको और इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि हमारे पास डेटा डिक्शनरी भी होती है जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है, डेटा स्टोर भी होता है, तो एक सिंगल डेटा फ्लो आइटम इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, PSPEC, ये प्रोसेस है बबल के अंदर आपका कोई प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को स्पेसिफाई करने के लिए आप नैरेटिव सिंपल इंग्लिश में आप अपनी कथा लिख सकते हैं, स्यूडो कोड लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, टेबलर फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं, डायग्राम और चार्ट ले सकते हैं। जैसे लुक अहेड में अगर आप जाएंगे तो डीएफडी से क्या मिलता है आपको, डीएफडी में आपने कहा कि साहब मैंने तो एनालिसिस मॉडल कर लिया, डीएफडी बना लिया, इसके आगे क्या, इसके आगे आप इस डीएफडी को किसमें ले जाते हैं, डिजाइन मॉडल में इसका स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट, तो एनालिसिस का फाइनल वर्जन जो डिजाइन में हम बनाएंगे इस डीएफडी को लेके ही स्ट्रक्चर चार्ट बनाएंगे, स्ट्रक्चर चार्ट से सीधा आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल फ्लो मॉडलिंग की बात करें, ये आपको इवेंट्स बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट को, और जो प्रोसेस जो इस इवेंट को मैनेज करेंगे, जो इवेंट होंगे वो एक तरीके से बुलियन कंडीशन होंगी, जैसे आपको करना है लिस्ट ऑल सेंसर डेटा रेड बाय दिस सेंसर, और सारे इंटरप्ट कंडीशन जो भी स्विचेस हैं जो एक्चुएटेड हैं ऑपरेटर द्वारा, या लिस्ट करना है सारे डेटा कंडीशन, या रिकॉल करना है जो नॉर्मल वर्ड हमें ढूंढे थे जो नैरेटिव में प्रोसेसिंग नैरेटिव में, इसमें कंट्रोल आइटम्स आपको ढूंढना पड़ेगा जो पॉसिबल है CSPEC इनपुट आउटपुट में। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन जो मैं भी आपको बता रहा था, वो इस कॉम्बिनेटोरियल स्पेसिफिकेशन में कुछ भी हो सकते हैं, वो स्टेट डायग्राम हो सकते हैं, वो आपके स्टेट ट्रांजिशन टेबल हो सकते हैं, वो डिसीजन टेबल हो सकते हैं, वो आपके एक्टिवेशन टेबल्स हो सकते हैं। अब बिहेवियर की बात करें, जैसे आदमी का बिहेवियर चेंज होता है, वैसे सॉफ्टवेयर का भी बिहेवियर चेंज होता है हर समय पे, जैसे कोई एक्सटर्नल इवेंट आएगा है ना, और या कोई स्टिमुलस आएगा, उस हिसाब से बिहेवियर चेंज होगा सॉफ्टवेयर का भी। तो अगर कोई आपको मॉडल क्रिएट करना है तो एनालिस्ट को क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको सारे यूज केसेस को समझना पड़ेगा, और जो सिस्टम में इंटरेक्शन हो रहे हैं वो समझना पड़ेगा, उसके बाद वो इवेंट ढूंढने पड़ेंगे जिन जो कोई इंटरेक्टिव सीक्वेंस को या कोई इवेंट से रिलेटेड हो रहे हैं, आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा हर एक यूज केस का, उसके बाद आपको स्टेट डायग्राम बनाना पड़ेगा सिस्टम का, फिर रिव्यू करना पड़ेगा कि साहब जो हमने बिहेवियर मॉडल ढूंढा है या जाना है इन सब चीज़ों से यूज केसेस से, क्या वो वाकई में एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है। फिर स्टेट रिप्रेजेंटेशन, सॉफ्टवेयर का भी स्टेट होता है, जैसे मैंने देखा हाइट और विड्थ आया था, या हाइट और बेस आया था, हमने उसको क्या किसने चेंज कर दिया एरिया में, स्टेट चेंज हो रहा है। तो बिहेवियरल मॉडलिंग में आप ये जरूर देखेंगे कि स्टेट कैसे होंगे, स्टेट का मतलब ये है कि हर एक क्लास कुछ परफॉर्म करेगी, कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी, और जो स्टेट है सिस्टम का उसको हम बाहर के जो स्टिमुलस है, बाहर के जो इनपुट्स है, उसके हिसाब से कैसे परफॉर्म करेगा। तो जो स्टेट है क्लास के वो दोनों हो सकते हैं, या तो पैसिव भी हो सकते हैं या एक्टिव भी हो सकते हैं। पैसिव का मतलब ये है कि जो करंट स्टेटस है सारे ऑब्जेक्ट का वो बता रहा है, एक्टिव स्टेट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट करंट स्टेटस तो ऑब्जेक्ट का बता ही रहा है,
साथ में वो ये भी बता रहा है कि जब वो कंटिन्यू कर, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो उस समय क्या सिचुएशन है। इसे पैसिव स्टेट और एक्टिव स्टेट कहते हैं। जब एक्चुअली में चेंज हो रहा होगा तब क्या सिचुएशन है। स्टेट क्या हो सकता है? स्टेट एक ऐसा ऑब्जर्वेबल सर्कमस्टेंस है जिसको आप समझ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बिहेव है, जैसे मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो मेरे एक पर्टिकुलर स्टेट हो गया। अभी मैं नाच रहा हूँ तो नाच रहा हूँ, तो एक गिवन टाइम पे नाच रहा हूँ, हो सकता है कोई घंटे बाद आया बोले अरे वो तो रो रहा है, तो मेरा स्टेट चेंज हो गया ना। यही स्टेट सॉफ्टवेयर का भी या सिस्टम का भी स्टेट चेंज होता है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम स्टेट ट्रांजिशन कहते हैं। और जरूर ये होता है कि अब मान लीजिए आपको एक घंटे के लिए नाचने के लिए कहा गया, एक घंटे बाद आप क्या करेंगे? आप आराम से बैठ जाएंगे या कुछ पानी नहीं पियेंगे? तो इवेंट मतलब ये होता है कि अगर आपके म्यूजिक बजेगा तो आप नाचेंगे। ये जो नाचना है ये इवेंट है। और एक्शन क्या है इसमें? प्रोसेस द डॉकर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग अ ट्रांजिशन। अब जब यहाँ पर आपने म्यूजिक बंद होगी तो आप क्या करेंगे? आप रुक जाएंगे। तो ये एक्शन, ये मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही आएगा। सॉफ्टवेयर का भी कुछ स्टेट होता है, कुछ बिहेवियर होता है, कुछ ट्रांजिशन होता है। तो बिहेवियरल मॉडलिंग के लिए सबसे पहले आप अलग अलग स्टेट बनाएंगे कि ये साहब ये कब ये करेंगे, ये कब करेंगे और ये काम कब करेंगे। उसके बाद हमको देखना है कि हाउ दिस सिस्टम मेक ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे सिस्टम में। तो हमको कोई इवेंट देखना है, क्या इवेंट आ रहा है, क्या एक्शन है उस पर, ये देखना है कि किस तरीके से सिस्टम स्टेट चेंज कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये सब जो मैंने कथा बता दी, अब आप जरूर सोच रहे होंगे ये तो बता तो रहे हैं लेकिन इसके लिए मतलब डायग्राम क्या बनाना है। तो उसके लिए डायग्राम मैंने बता दिया है, स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। ये मैंने स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम बिल्कुल इसी काम के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक बड़ी अच्छी बात कही, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, बड़ी अच्छी बात कही कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के लिए कहा गया कि हर आदमी को पता है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं, जब ये तब तक नहीं पता चला जब तक इसे लिख नहीं दिया। मुझे पता है, मेरे प्रोग्राम लीडर को पता है, मेरे अंडर में जो लोग हैं सबको पता है कि साफ करना क्या है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है। तो एवरीबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाट हैड टू बी डन अनटिल समवन रोट इट डाउन। पैटर्न रिक्वायरमेंट मॉडल के लिए देखिए, पैटर्न इस तरीके का है कि अगर कोई चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, जो चीज़ हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया, रिक्वायरमेंट को मॉडल कर रखा है ऑलरेडी, तो उसको दोबारा क्यों करना है? उसको रीअप्लाई कर लीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि पैटर्न का मतलब यही होता है। तो हम अगर कोई एनालिसिस पैटर्न का कोड ढूंढना शुरू करें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अप्लाई हो चुके होते हैं या जो बिल्कुल वेल टेस्टेड है या आपने ही कहीं किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई किया होगा। तो उसके हम सिस्टमेटिक एनालिसिस पैटर्न निकालते हैं। ये पैटर्न वो होते हैं, इज अ पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स स्मॉल सेट ऑफ कोहेरेंट यूज केसेस दैट टुगेदर डिस्क्राइब्स अ बेसिक जेनेरिक एप्लीकेशन। तो हम यूज केस 1, यूज केस 2, यूज केस 3 ऐसे हम निकालेंगे जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं और इनको मिला के हम एक जेनेरिक वे में इनको मिला के तरह हम जेनेरिक से हम स्पेशलाइज में जा सकते हैं। इसे हम कहते हैं सिमेंटिक एनालिसिस पैटर्न। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई वेब ऐप की। वेब एप्लीकेशन जो होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग करेंगे? सबसे पहले आप उसकी कंटेंट एनालिसिस करेंगे। वेब एप्लीकेशन का मतलब ये होता है आपके पास ब्राउजर में कुछ पेजेस है, आप उसको नेविगेट करेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर कहीं से किधर जाएंगे, कुछ क्लिक करेंगे तो वेट करेंगे, वो चाहे क्लाइंट सर्वर मॉडलिंग चल रही है, तो ये सारा काम आप एक ही वेब पेज पे, टेक्स्ट भी है, ग्राफिक भी है, इमेज भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सारा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर कंटेंट एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको कि कंटेंट क्या है। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये एक वेब पेज में आपको दिख सकता है। तो डेटा मॉडलिंग का मतलब यह है कि हर एक आइटम को आपको आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्राइब करना हर एक डेटा ऑब्जेक्ट को। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन एनालिसिस, क्योंकि जब वेब ऐप की बात आती है किस तरीके से आप वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यूज केस इंटरेक्शन का ये आपको बनाना पड़ेगा। फंक्शनल एनालिसिस यानी कि यूसेज सिनेरियो, कैसे ऑपरेशन होंगे, किसके बाद क्या ऑपरेशन होंगे, किसके बाद क्या प्रोसेस होंगी, ये सारे ऑपरेशन और फंक्शन आपको डिटेल में बताने पड़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस का मतलब यह है कि आपके पास मान लीजिए आप मैक पे काम कर रहे हैं, कोई विंडोज पे काम कर रहा है, कोई बोलता है मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करूंगा, कोई बोलता है कि मैं तो सफारी यूज करूंगा, हर और इनके पास मान लीजिए i7 है, इनके पास i3 है, तो ये एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वेब एप्लीकेशन को वो करता है, क्या कहते हैं, जैसे अफेक्ट करता है कि मान लीजिए वेब सर्वर आपका लोकल रखा है तो आपको परफॉर्मेंस लेटेंसी बिल्कुल भी कम नहीं मिलेगी, लेकिन मान लीजिए वेब सर्वर आपका किसी रिमोट लोकेशन पर रखा है तब मान लीजिए थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वो सभी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो एनालिसिस कैसे करेंगे इसमें वेब ऐप में? जो वेब सिचुएशन होती है इसमें आमतौर पर एनालिसिस और डिजाइन मर्ज हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, वेब ऐप में एनालिसिस डिजाइन मर्ज हो जाती है, लेकिन फिर भी एक्सप्लिसिट एनालिसिस एक्टिविटी हम कर सकते हैं। जैसे वेब ऐप छोटा है या बड़ा है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, क्या ज्यादा है या कम है, वेब इंजीनियर्स और कंट्रीब्यूटर्स ज्यादा है कि कम है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है वेब ऐप को बनाने में, जो बिजनेस को गाइड कर रहे हैं। सक्सेस वेब ऐप का तभी है जब आपका बिजनेस सक्सेस हो। वेब एप्लीकेशन बना दिया, कोई आपकी विजिट साइट पर आ नहीं रहा है, अगर आप अमेजन पर जाएंगे या फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो उन्होंने इस तरीके से वेब ऐप बनाया हुआ है कि आप बार बार आने की कोशिश करेंगे वहां पर, क्योंकि इतना सिंपल है, 2-3 क्लिक पे आप चीजें खरीद सकते हैं। अगर आपको अपनी पहले इंटरनल डिटेल डालें, ये डालें, वो डालें, उसके बाद आपको कोई एक इनपुट आए, फिर उसको आप एंटर करें, फिर उसके बाद वो फाइल साइट रुक जा रही है, फिर उसके बाद कुछ हो जा रहा है, अब उस जगह तो आप उस वेब ऐप पर नहीं आएंगे ना। तो सक्सेसफुल ये नहीं है कि अमेजन चीजें बेच रहा है इसलिए सक्सेसफुल है, अमेजन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसका वेब ऐप बहुत बढ़िया है। उसके बाद कॉन्टेंट मॉडल पे आते हैं। कॉन्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि एक वेब पेज में या फिर अलग अलग जो पेजेस होंगे उनमें कंटेंट होगा, तो आपको सिनेरियो बताना पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस क्या कंटेंट के हैं,
यानी कि आपको हर एक कॉन्टेंट ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, अलग अलग डेटा ऑब्जेक्ट्स आपने देख ली, उनकी हायरार्की देख ली, हायरार्की केस क्या आपस में रिलेशनशिप है। अब फिर से वही बात आ गई, ये पता तो हो गई, करेंगे कैसे इसको, करेंगे इसके लिए हम यूएमएल डायग्राम यूज करेंगे, उसके लिए हम ईआर डायग्राम बनाते हैं, हायरार्की के लिए हम डेटा ट्री या यूएमएल डायग्राम अगेन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरेक्शन मॉडल है, उसमें चार चीजें होती हैं, यूज केसेस, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट डायग्राम और यूजर इंटरफेस पुट लाइन। तो ये सारी चीज आपको यूएमएल में मिलेगी और इस यूएमएल को देख के आप आराम से बना सकते हैं। जैसे एक सीक्वेंस डायग्राम बताता हूँ कि अलग अलग यहाँ पर काम है। ये स्विम लेन डायग्राम जैसे दिख रहा है, नया कस्टमर है, डिस्क्राइब करेगा रूम को, प्लेस करेगा रूम फ्लोर प्लान, फिर वापस जाएगा यहाँ पे। तो एक्टिविटी किस तरीके से, सीक्वेंस किस तरीके से हो रहा है, ये है सीक्वेंस इसका। तो ये जो सीक्वेंस दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस डायग्राम आपका। तो वेब ऐप में सीक्वेंस की बहुत बड़ी महत्ता है। फंक्शन मॉडल अगर हम बात करें, फंक्शन मॉडल ये दो चीजें एड्रेस करता है, दो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स वेब ऐप की। एक तो यूजर ऑब्जर्वेबल फंक्शनलिटी, ये यूजर को दिखाई देगी, और उसका उसका दूसरा अगर प्रारूप देखें तो जो ऑपरेशंस हैं, जो इस आपके बिहेवियर, जो क्लास का बिहेवियर है उसके साथ एसोसिएट होकर आपके ऑपरेशन काम करेंगे। एक जो आपको दिख रहा है फंक्शनलिटी, और एक जो बैकग्राउंड में काम हो रहा है, दोनों ही चीजें एक्टिविटी डायग्राम सबको शो करने के लिए उपयुक्त है। जो प्रोसेसिंग फ्लो शुरू करेगी, जैसे ये एक्टिविटी डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। तो कैमरा नॉट इन यूज को एग्जांपल ले लेते हैं। कैमरा नॉट इन यूज यहाँ चला जाएगा, कैमरा नहीं यूज है तो यहाँ चला जाएगा, अगर आपका अवेलेबल है तो यहाँ चला जाएगा, नॉट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ चला जाएगा। तो ये पूरी एक तरीके से एक्टिव बता दी गई एक्टिविटी क्या है। अगर बाई चांस कैमरा यूज आ गया तो गेट करंट कैमरा हो जाएगा, रिपोर्ट करेंगे कैमरा का यूज है और नहीं वो तो करंट यूज दिखा देंगे, ये एक्टिविटी डायग्राम हो गई। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर साइड क्लाइंट साइड दो साइड होते हैं इसमें वेब ऐप्स में। सर्वर साइड की बात करें तो क्या हार्डवेयर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इंटरऑपरेबिलिटी कंसीडरेशन करके सर्वर साइड की बात करें तो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से ऑपरेशन इंटरऑपरेबल होगा, क्योंकि आपको आपको यहाँ पर वेब सर्विसेज यूज करनी है, आपको डेटा डायरेक्ट भेजना है, कैसे करना है, जो इंटरफेसेस होंगे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन आ गया, आप जैसे एप्लीकेशन लेयर है, फिजिकल लेयर है, नेटवर्क लेयर, कहाँ पर क्या क्या होने वाला है और इसका कोलैबोरेशन कैसा होगा, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लाइंट साइड में अगर आप जाएंगे तो ब्राउजर है, जैसे मैंने बताया, अलग अलग है, आपका ओपेरा है, आपका फायरफॉक्स है, इनके इश्यूज देखने पड़ेंगे। मान लीजिए आप ऐसा ब्राउजर यूज कर रहे हैं जिसमें एचटीएमएल 5 है नहीं, तो आप तो 3D कर ही नहीं सकते, उसमें चला ही नहीं सकते, ये वाली बात है। तो क्लाइंट साइड का भी ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा और टेस्टिंग बहुत जरूरी है, कैसे किस तरीके से करेंगे। नेविगेशन मॉडलिंग की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि हम नेविगेशन क्या करते हैं, हमारे वेब ऐप का काम ये है, हमारे पास एक पेज है, यहाँ से वहाँ नेविगेट करेंगे, वहाँ से वापस आएंगे, फिर कहीं वहाँ नेविगेट करेंगे, नेविगेशन बहुत जरूरी है। तो नेविगेशन के सवाल है सबसे पहले कि क्या हमारे जो एलिमेंट जिसमें हम जिसमें ज्यादा जाते हैं वहां पर कम नेविगेशन स्टेप से पहुंच सकते हैं, क्या हमें फोर्स किया जाता है या हम फोर्स कर सकते हैं कि नेविगेशन किसी एक डायरेक्शन में बहे। अगर कोई नेविगेशन अगर आता है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, प्रायोरिटी किस तरीके से दी जाए, अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है जो नेविगेशन है, लिंक के थ्रू किया जाए, सर्च बेस्ड एक्सेस के थ्रू किया जाए या कोई और अदर मीन यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पहले जो नेविगेशन किए गए हैं उस हिसाब से क्या हम नए नेविगेशन को एक तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं, क्या नेविगेशन लॉग सजेस्ट किया, लॉग रखा जाएगा मेंटेनर के लिए जो मेंटेन कर सके हम लॉग, इस तरीके से क्या जो फुल नेविगेशन मैप या मेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा यूजर को इंट्रैक्शन के लिए, क्या नेविगेशन इस तरीके से उसका डिज़ाइन बनाया जाएगा ताकि जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं चीज़ें वो हमको सामने मिल जाए, क्या हम स्टोर करेंगे जो प्रीवियस नेविगेशन की इन्फॉर्मेशन ताकि हम आगे के नेविगेशन को एक्सपेडाइट कर सके, फास्ट कर सके, किस तरीके से कौन सी यूज़र किस चीज़ को अच्छे से ऑप्टिमली यूज़ करेंगे, किस तरीके से जो बाहर के लिंक हैं एक्सटर्नल वेब ऐप के अंदर जो बाहर से हमारे वेब ऐप में आ रहे हैं और हमारे तरफ से बाहर को जा रहे हैं, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, ये बात हुई आपकी पूरी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की, वेब ऐप्स की स्पेशल बात की हमने।